रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पर फायरिंग के बाद सरफराज और तालीम घायल भी हुए। इसके बाद भी रेहुआ के ग्रामीण और मृतक के पिता और उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं है। बातचीत में पिता कैलाश नाथ और पत्नी रोली ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई से खुशी तो मिली लेकिन पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली। बेटे की हत्या करने वालों का पूरा एनकाउंटर होना चाहिए था। वहीं इस घटना के अगले दिन जब रामगोपाल का शव घर पहुंचा तब भी मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल के पिता, पत्नी और बहन ने आरोपियों का अपने सामने एनकाउंटर करने की बात कही थी। परिवार ने आरोपियों को घर पर बुलडोजर गिराने की बात भी कही थी। उनसे जो कुछ मांग किया पूरी की, लेकिन बात थोड़ी सी यह है कि जो लड़का हमारा जिस तरीके से मारा गया था, हम उतनी जो कहते थे कि इसी तरीके से मारा जाए, वही एक बात है कि उसको इसी में मारा जाए है? और कोई बात नहीं। अब हमारी सारी मांगे उन्होंने पूरी की और मदद करने को कहा, मदद करेंगे। जो हम उनसे दाद फरियाद करेंगे तो हमको आशा है कि वो पूरी होगी। क्या क्या उन्होंने दिया है? अरे घर बनाने के लिए पैसा कहा, नौकरी लड़की को देने को कहा और आयुष्मान कार्ड बना दिया, रुपया नगद हमारे नाम से काट दिया और क्या कहें, सारी सुविधाएं देने को कहा। बस बाकी सब अब क्या मांग है? अब मांग यही रहे, मांग कोई नहीं है, लेकिन जो हमारा लड़का मारा गया उसी प्रकार से उसकी दुर्गति होनी चाहिए। एनकाउंटर पर हिंसा में मारे गए मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा का बयान सामने आया है। रोली मिश्रा का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारकर फर्जी एनकाउंटर किया। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन ने घूस ली है, इसी वजह से हमको न्याय नहीं मिल रहा। मैं रोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो जरूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। हालांकि अब इस एनकाउंटर पर एक तरफ जहां राजनीति शुरू हो गई है तो वहीं अब रामगोपाल मिश्रा के पीड़ित परिवार ने भी इसे फर्जी बताया है। हिंसा में जिस रामगोपाल मिश्रा नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई उसकी पत्नी रोली मिश्रा ने वीडियो जारी किया। वीडियो में वे कहती दिख रही है कि हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी है, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा और पुलिस प्रशासन ने घूस ली है।